बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस अपडेट में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ कोई बचत बैंक की एक और नई अपडेट के साथ। तो नाज़रीन, बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट के हवाले से आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट कब रिवाइज़ होने वाले हैं। अप्रैल में तो बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट रिवाइज़ नहीं हुए, यानी कि बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। तो अब ये मई का महीना चल रहा है, तो मई में क्या बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा या फिर नहीं, तो तमाम तफसील आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को तमाम तफसील से आगाह करता हूँ। तो नाज़रीन, जिस तरह मार्च में प्रॉफिट रेट रिवाइज हुए थे और मार्च में कौमी बचत बैंक के बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनियर बेनिफिट अकाउंट और शुदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ किया था, इसी तरह मई में भी कौमी बचत बैंक बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ करने वाला है। हालाँकि जो ज़राए के मुताबिक खबर मौसूल हुई थी वो ये थी कि इस दफ़ा जो अप्रैल का महीना गुजर चुका है, तो कहा जा रहा था कि अप्रैल के महीने में ही बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, लेकिन अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अप्रैल में बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को रिवाइज़ नहीं किया गया। तो अब मई में ही कौमी बचत बैंक बेबूद सेविंग सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट को इंक्रीज़ कर देगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।